हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात को अमेजन प्राइम वीडियो ने अपना एक अपकमिंग वेब सीरीज़ मुंबई डायरीज 26/11 का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और ये एक मल्टी स्टार कास्ट वेब सीरीज़ है और इस वेब सीरीज़ का डायरेक्टर है निखिल अडवाणी। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये ट्रेलर कैसा हुआ है, उसके बाद ही इस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। दिस इज मुंबई जनरल हॉस्पिटल। डेली करीब 100 से ऊपर केसेस आते हैं यहाँ। हाई फीवर से लेकर गनशॉट्स तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ बातें कम, काम ज्यादा। तुम तीनों मेरी वेट कर रहे हो? यस सर। आपके नेम? रेजिडेंस। लेट्स गेट टू वर्क। अच्छा, हमारे सूत्रों के अनुसार ये एक टेररिस्ट अटैक है। कल होटल में भी अटैक हुआ है। अनन्या की कोई खबर? Everyone, stay calm. Mama, please leave. The police are chasing the bedrest now. Put me on air. Take me live. We can't manage with limited staff. Kidhar hai sab? Ye mera pehla din hai. I can't do it. You know what to do. Jo tum apne aap ko samajhte ho na, usse badh ke ho. Focus. On guys, move it. तो ये ट्रेलर देख के जितना मुझे लगा कि मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था, शायद उस हमले के बाद जिस जगह पे हमला हुआ था वहाँ पे जो इंजियर्ड लोग होंगे उन लोगों को, साथ साथ टेररिस्ट जो लोग इंजियर्ड होंगे दोनों को शायद एक मुंबई जनरल हॉस्पिटल में आया जाएगा, जहाँ पे हम लोग ये डॉक्टर्स को देखेंगे। तो अब ये डॉक्टर्स वो जो टेररिस्ट को वहाँ पे इलाज करेंगे, तो वही से यहाँ पे घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि वो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पे बीतेगा कि वो लोग यहाँ पे टेररिस्ट को क्यों यहाँ पे इलाज कर रहे हैं, उनको मार देना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम लोग ह्यूमन बॉडी को देख के इलाज करते हैं, हम कैरेक्टर को देख के इलाज नहीं करते। तो ये डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाया था, जो कुछ ब्लास्टिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले और जिस तरीके से एक्शन यहाँ पे कोरियोग्राफ किया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही रियलिस्टिक और अच्छा कलर पैलेट यहाँ पे यूज किया है। लेकिन इसका जो थ्रिलर क्वेश्चन था वो बहुत ही बरकरार रखा था। पूरा ट्रेलर पे आप लोगों को एक अच्छा थ्रिलर फैक्टर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किरदार यहाँ पे कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो उसके कारण ये वेब सीरीज एक अच्छा हो सकता है। और निखिल अडवाणी इससे पहले डी डे और बटला हाउस जैसे मूवी में उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, तो यहाँ से भी हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शायद ये भी एक अच्छा वेब सीरीज होंगे। क्योंकि ये जो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला कि उस रात को हॉस्पिटल में क्या हुआ था और जो टेररिस्ट को पुलिस वहाँ पे पकड़ लेंगे या फिर अगर हॉस्पिटल में अटैक होंगे तो यहाँ पे डॉक्टर लोग क्या करेंगे, वो उन लोगों से कैसे बचेंगे और उस हॉस्पिटल में जो विक्टिम वहाँ पे जाएंगे उनका फैमिली वो डॉक्टर के ऊपर क्या मतलब रिएक्शन देंगे, तो ये सब कुछ हम लोगों को वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो मेन थीम है, उस रात को जो डॉक्टर लोग यहाँ पे इलाज कर रहे थे, बेसिकली उनके ऊपर क्या बीत रहे थे, उनका मेंटल स्टेट क्या था, उनके ऊपर जो ये
प्रेशर पड़ रहा था वही सब कुछ हम लोगों को ये मुंबई डायरीज वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो दिस वॉज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे अच्छे एक्शंस, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे शॉर्ट्स हम लोगों को देखने को मिले और पावर पैक परफॉर्मेंस तो रहेंगे। तो ये सितंबर 9 को रिलीज होंगे अमेजन प्राइम पे। तो अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देख लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।